पास आज दो स्मार्ट वॉचेज हैं, एक है Z6 यहाँ पे और एक है M3, जिनकी मैंने अनबॉक्सिंग भी करी हुई है पहले। अगर आपने अनबॉक्सिंग नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर इनके अनबॉक्सिंग देख सकते हो। एंड आज मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ इन दोनों का, क्योंकि ये दोनों में प्राइस में तो डिफरेंस है बट दोनों की फीचर्स काफ़ी अच्छी लगी है मेरे को। एक बजट में है, एक थोड़ा सा अपर बजट में आती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आगे मेरे पास दोनों स्मार्ट वॉचेज, ये है Z6, ये है M3, एंड ये दोनों की सेपरेट बैटरी है इसमें। अगर सबसे पहले मैं बात करूँ पैकिंग की, तो पैकिंग आप देख लीजिए, ये Z6 की बैटरी है, M3 की पैकिंग है। तो M3 की पैकिंग स्लाइटरी बेकार है, Z6 की काफ़ी प्रीमियम पैकिंग आती है और काफ़ी अच्छी लगती है, ठीक है। पैकिंग में एक्सेसरीज दोनों में सेम ही मिलती है, एक आपको चार्जिंग केबल, USB मैनुअल, बस दोनों जो यही चीज़ मिलती है, और जो स्ट्रैप्स तो आती है वो है साथ में। तो अब बात कर लेते हैं सीधी अपनी स्मार्ट वॉचेज की, स्मार्ट वॉचेज के डिज़ाइन से बात करते हैं। डिज़ाइन में मैं कंप्लीटली बताऊँ तो ओवरऑल लुक के मामले में तो आपको M3 काफ़ी अच्छी लगेगी, बट इसका डायल की अगर शेप और डिज़ाइन देखें तो डायल का शेप और डिज़ाइन जो है Z6 का ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि डायल और शेप के मामले में Z6 ज़्यादा अच्छी है, इसमें जो स्क्रीन है वो ज़्यादा कर्व्ड है बजाय M3 के मुकाबले, ज़्यादा कर्व्ड देखने को मिल जाती है। बट अगर ओवरऑल शेप और डिज़ाइन देखें तो M3 ज़्यादा अच्छी लगती है Z6 के मुकाबले, ठीक है, देख सकते हैं। क्योंकि इसमें जो पट्टे में इसका पैटर्न आता है स्ट्रैप में, वो काफ़ी कूल लगता है, काफ़ी प्रीमियम लगता है। ऊपर से बटन पे आप अलग से कलर मिलता है रेड कलर का, ठीक है, तो ये काफ़ी है। ये स्क्रीन साइज़ दोनों में सेम ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे, लगभग लगभग सेम ही है दोनों में। फ्रंट में कैमरा आता है, बटन दोनों के अलग अलग हैं। बॉडी इस Z6 की थोड़ी सी हैवी है, इसका जो स्ट्रैप है वो भी थोड़ा सा बड़ा आप कह सकते हो। एंड अगर मैं इसके अंदर दिखाऊं तो आपको ये डिफरेंस देखने को मिल जाता है। दोनों में स्पीकर है, दोनों में सिम ट्रे है, नॉर्मल जो होता है सारी चीज़ें वही हैं दोनों में सेम अंदर से, ठीक है। अब इनको चालू कर लेते हैं एंड बेसिक डिफरेंस देखेंगे उसके। बैटरी का डिज़ाइन दोनों में अलग अलग ही है, थोड़ा सा फ़र्क है डिज़ाइन में बैटरी में। ये दोनों हो गई हैं ऑन, लेट्स स्टार्ट विथ क्विक डायलिंग, दोनों ऑन है मेरे पास, ठीक है। तो इसमें एक डायल है, आपको यहाँ पे Z6 में सिर्फ एक डायल मिलता है, बट इसमें आपको काफ़ी सारे डायल्स मिलते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, देखिए तीन आपको यहाँ पे डायल मिलते हैं, जो भी आप चूज़ करोगे वो आपका आ जाएगा यहाँ पे। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखने वाली ये है, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन पैनल मिलता है जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो चीज़ों को, बट इसमें कोई नोटिफिकेशन पैनल आपको नहीं मिलता है। मैं क्या क्या बता देता हूँ M3 में क्या क्या है, ओवर एंड ऑल मैं पहले ही बता देता हूँ M3 में ज़्यादा फीचर्स हैं। अगर तो यहाँ पे ऐप्स की बात करें तो दोनों में आपको सेम ही ऐप देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। सारे वही ऐप हैं जो आपको इसमें देखने को मिलेंगे, तो ऐप्स में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। इसमें आपको एक वर्ल्ड क्लॉक मिलता है, इसमें आपको वर्ल्ड क्लॉक देखने को नहीं मिलता है, जहाँ के देख सकते हो आप, ठीक है। ये पावर सेविंग मोड इसमें आपको मिलता है, इसमें आपको पावर सेविंग मोड नहीं मिलता है M3 के अंदर। बाकी सब कुछ सेम है, व्हाट्सअप है, ट्विटर है, ब्राउज़र है, फेसबुक है, सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। देखिए यहाँ पे है आपका म्यूज़िक वगैरह सारी चीज़ें, कैमरा है। अब बात कर लेते हैं सेटिंग्स में चलते हैं, सेटिंग्स में आपको दिखाता हूँ और क्या आपको एक्स्ट्रा इसमें मिलता है, ठीक है। एंड इसकी सेटिंग्स में चलते हैं तो पता चल जाएगा कि आपको क्या डिफरेंसेस में मिलता है। फ़ोन सेटिंग्स में पहले मैं बताता हूँ, इसमें थीम जो है तीन है और स्क्रीन सेवर भी तीन है। इसमें थीम एक है, इमेज भी एक है और स्क्रीन सेवर भी थीम है। तो जो कॉल सेटिंग्स में देख लेते हैं, कॉल सेटिंग्स में आपको क्या क्या मिलता है इसमें। करंटली नॉट अवेलेबल है, तो फ़ोन सेटिंग्स में चलेंगे। लैंग्वेज है, मल्टीपल लैंग्वेज मिलती है आपको, ठीक है, देख लीजिए। इसमें अगर मैं फ़ोन सेटिंग्स में जाऊँगा, देखिए लैंग्वेज है, इसमें ही मल्टीपल लैंग्वेज आपको मिलती है, ठीक है। थीम सेटिंग्स है, LCD की आप लाइट इसकी एडजस्ट कर सकते हो, इसकी एडजस्ट नहीं कर सकते हो आप। इसके अलावा देखो ब्राइटनेस यहाँ से एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा मोशन सेंसिंग है, आप काफ़ी कुछ है, मतलब ओवर एंड ऑल मेरे को ज़्यादा फीचर्स लगी हैं M3 के अंदर, ठीक है। सबसे अच्छी बात तो यही लगी है। इसके अलावा इसमें जो है आपको नोटिफिकेशन पैनल मिलता है, जहाँ से आप फ्लाइट मोड वगैरह कर सकते हो, ब्लूटूथ है उस पर डाल सकते हो। एंड इसकी जो इसमें जो ऐप्स हैं वो मेरे को ज़्यादा अच्छे लगे हैं इसके मुकाबले, इसमें इतनी फीचर्स नहीं है। जो मोशन रेट है, इसमें तीन चीज़ें हैं, आप फ्लिप करोगे तो इनकमिंग कॉल म्यूट हो जाएगी, अलार्म म्यूट हो जाएगा, और वेकअप गेस्चर होता है जब आप कॉल इसको वॉच को उठाओगे तो वॉच जो है ऑन हो जाएगी, ठीक है। इसमें देख लेते हैं,
देखो कम्प्लीटली अगर एक मैं छोटा सा रिव्यू आपको बताऊँ ना, तो दो चीज़ें मेरे को अच्छी लगी हैं इसमें। यहाँ पे आपको क्लियरली बता देता हूँ इसके बारे में। जो ये वॉच है ये थोड़ी सी हैवी है और बिल्ड क्वालिटी इसकी ज़्यादा अच्छी है इसके मुकाबले, एंड इसकी जो स्क्रीन क्वालिटी है, टच क्वालिटी है, वो M3 के मुकाबले ज़्यादा अच्छी है। बजाय इसमें एक क्लॉक मिल जाता है, आपको मोशन मिल जाता है। बट अगर आप फीचर्स की बात करेंगे और डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन में M3 ज़्यादा अच्छी है। M3 में थीम्स भी आपको 3 मिलती है, इसमें आपको जो स्क्रीन्स है वो भी 3 मिलते हैं, इसका जो स्ट्रैप है वो भी काफ़ी डिज़ाइनर मिलती है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है, मोशन वगैरह सारी चीज़ें तो इसमें मिलती हैं, इसमें आपको साथ में नोटिफिकेशन पैनल भी आपको देखने को मिल जाता है। सो ओवर एंड ऑल अगर मैं बताऊं तो इसकी जो है क्वालिटी, फंक्शंस और डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है Z6 के मुकाबले। बट इसकी जो क्वालिटी है, बिल्ट क्वालिटी है, और जो टच स्क्रीन का आप कह सकते हो, टच स्क्रीन की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है M3 के मुकाबले। सो दोनों चीज़ें मैंने आपको एक ब्रीफ सा कंपैरिजन दे दिया है। ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, तो मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ जो जो मैंने इसको चला के देखा दोनों को, स्मार्ट वॉचेस को, और जो बेसिक डिफरेंस यहाँ पर लगा है। अब ये आपको डिपेंड करता है कि आपको कौन सी लेनी है। आपको अच्छी क्वालिटी वाली चाहिए, हैवी दिखने वाली चाहिए, या फिर आपको ज़्यादा फीचर्स और अच्छी दिखने वाली चाहिए। इसकी जो क्वालिटी है वो लॉन्ग लास्टिंग है बजाय M3 के, इसीलिए ये महंगी भी आती है। इसका जो प्राइस है वो अराउंड 2000 के अराउंड है, और इसका जो प्राइस है वो 1500 के अराउंड आता है, 1500, 1100, 1200, ये 2000, 1700, 1800 तो अलग अलग रेट्स में मिलती है। सो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको कौन सी चीज़ चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग चाहिए विद ज़्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी, या फिर लॉन्ग ज़्यादा फीचर्स वाली चाहिए विद एक्स्ट्रा स्टनिंग स्ट्रिप्स के साथ, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो ये थी आज की वीडियो, एंड ज़्यादा नहीं, ठीक है, स्मार्ट वॉचेज़ में एक बेसिक सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इन वॉचेज़ में ना कोई ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, एंड उसी में इनसे प्राइस जो है वेरी ऊपर नीचे करते हैं। बाकी स्क्रीन सेम होती है, डिज़ाइन वही रहता है, थोड़ा बहुत डिज़ाइन में फ़र्क आता है, क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है। तो क्वालिटी डेफिनेटली इसकी अच्छी है। अब ये आप डिसाइड कर सकते हो अपने हिसाब से कि आपको कौन सी खरीदनी है। बाय बाय, टेक केयर। ये थी आज की वीडियो, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कौन सी अच्छी लगी है, तो कमेंट ज़रूर करना इसके बारे में, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।